हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइज अभी हम छत पे आए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह 6:30 बज रहे हैं अभी, और मस्त मौसम किया है, धूप उगी हुई है तीखी सी और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं ये तिरंगा, जो कि हमने हर घर तिरंगा के तहत जो लहराया था वो आज भी अभी है यहाँ पे मौजूद। तो ये किस तरह का व्यूज है गाइज, कितना मस्त लग रहा है आज यहाँ पे पूरा, आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब है। तो ये होती है गांव की लाइफ, बहुत ही अच्छी शानदार। तो चलते हैं अब हम, ये देखिए है थोड़ा सा फूल जो कि हमारे मूड को फ्रेश कर देते हैं अच्छे अच्छे सुगंधों को देकर, और बहुत ही। तो चलिए चलते हैं आज हम कुछ दूर और अपने गांव की भ्रमण करते हैं, उसके बारे में दिखाते हैं कि क्या है। तो जहां चलते हैं वहीं पे, तो चलिए आज हम अपने चलते हैं कुछ दो। तो क्या क्या मतलब या क्या सीन है गाइस, बहुत ही। ये धान की खेतें हैं, धान की खेती में अभी ये फसल तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं और आगे इसके अभी हम यहाँ पे देखने आए हैं मूंगफली की खेती, यानी कि बादाम की खेती हमारे यहाँ की भाषा में, बट ये बादाम है नहीं, ये मूंगफली है। तो आए हैं यानी कि बुआई के बाद आज पहली बार हम यहाँ पे आए हैं देखने पूरा। तो ये रहा खेती, ये रहे मूंगफली के पौधे गाइज, बट यहाँ अभी हम इसे एक भी पौधे को निकालेंगे नहीं, यानी कि नहीं इसके मतलब दाने नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम है ना कि घर से ये काफ़ी दूर है, और अगर एक हम निकालते हैं तो अगले दिन ये 100 पौधे यहाँ पे निकल जाएंगे और फसल की मतलब आधी फसल बर्बाद कर देंगे। यहाँ के स्थानीय लोग नहीं, लोग नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेशल प्रकृति के लोग हैं जो कर सकते हैं, इसलिए नहीं निकालते हैं। और इधर आगे चलते हैं, ये रहा हमारे मतलब काली मंदिर, जो कि बहुत ही पूर्वजों की मंदिर है, ये बनाया गया है यहाँ पे, मतलब त्योहारों पर ही भीड़ लगती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो ये है मंदिर, ये इसका आपको दर्शन भी करा देते हैं हम। जय माता दी। ये रहे यहाँ पे पूरा गेट लगे हुए हैं और अंदर का दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रहे काली माता का ये जो मूर्ति है, ये बहुत ही प्राचीन, मतलब हमारे लिए प्राचीन है बट ज़्यादा पुराना नहीं, मतलब 100 से 150 वर्ष तो पहले की है ही। इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही मतलब मरम्मत किया गया है, वरना ये पूरा मरम्मत अगर नहीं होगा तो ये ख़राब हो जाता है। और इधर भी कुछ हैं जो कि यहाँ भी कोई देव हैं जिसे महाकाल बोला जाता है, वही है। तो ये है और इस मंदिर का स्ट्रक्चर, तो बाकी आप देख ही रहे हैं, ये पुरानी मंदिर। और यहाँ पे इधर इधर में आए तो मंदिर के जस्ट इधर में एक नदी है, छोटी सी नदी बहती है ये देखिए, और इधर एक आम का वृक्ष भी है। तो नदी में आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ही कम है, क्योंकि इस वर्ष बारिश हुआ ही नहीं है ज़्यादा, काफ़ी कभी बाढ़ आया ही नहीं है नदी में, इसलिए यहाँ पे बहुत थोड़ी अल्प मात्रा में। ये पूरा देख सकते हैं पूरा मंदिर, पुराना मंदिर है, इसका पेंटिंग के काम यानी कि कुछ परिवारों द्वारा, हम लोग के द्वारा कुछ करवाया जाता है। और यहाँ इधर में आपको दिखाएं तो ये हम मतलब पहले का घर हम लोग का जो था, यहीं आगे बगीचा में था, वो आपको जो दिख रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा जूम करते हैं इधर पे, वो भी यहीं पे है, तो वो अब सिर्फ दीवार ही बचे हुए। ये रही नदी, जो कि नदी हम आपको नज़दीक से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे पूरा। तो ये देखिए किस तरह से पानी है, गंदा पानी है और नहीं है ज़्यादा, हल्की सी बह रही है नदी मतलब कि, और जगह जगह पे पंप भी लगे होंगे है ना, जिससे भी पानी कम है, तो बारिश हुआ ही नहीं तो पानी होगा कहाँ से। तो ये रही नदी और इसका व्यूज आप इधर देख सकते हैं पूरा इधर में। और गाइज इधर पे पूरा मतलब
धान की फसल लगी हुई है और वही नदी ये है, साइड साइड से जा रही है और इसके साइड से हम जा रहे हैं अभी। तो ये रही नदी, इधर साइड से जा रही है, इधर आपको पंप वगैरह भी दिख रहे होंगे।